हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है नया टॉपिक डेटा इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, इट इज इजी एंड इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंपेटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट जो है डेटा इंटीग्रेशन। डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन, व्हाट इज द डिटरमिनेशन? डिटरमिनेशन इज नथिंग, डिटरमिनेशन लेट कोई अरे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर जो अरेंजमेंट है उसकी कोई वैल्यू अगर असाइन कर दें उसको, दैट इज कॉल्ड टू द डिटरमिनेशन, दैट इज कॉल्ड टू द डिटरमिनेशन, दैट दैट इज लेट दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन अप टू बी वन बी टू बी थ्री बी फोर अप टू बी एन दैट इज सच दैट दैट इज के वन के टू के थ्री के फोर के दैट इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दैट इज एम क्रॉस एन अरेंजमेंट इट इज ए एम क्रॉस एन अरेंजमेंट इट इज ए एम क्रॉस एन अरेंजमेंट इफ वी असाइन दिस एनी स्केलर वैल्यू दैट इज कॉल्ड टू द डिटरमिनेशन एंड डिटरमिनेशन इज जनरेटेड बाई ए ग्रीक वर्ड इज डेल्टा, डेल्टा इज ए ग्रीक वर्ड, डेल्टा इज ए ग्रीक वर्ड। जब भी डिटरमिनेशन के हम जो है सोचेंगे वो मैट्रिक्स फर्स्ट शुड बी इन द स्क्वायर मैट्रिक्स इन द अरेंज इन द स्क्वायर द अरेंजमेंट ऑफ दैट इज इट इज कॉल्ड टू द रो, इट इज कॉल्ड टू द रो, इधर रो वन इधर ये मीन्स आर वन मीन्स R1, R2 and such that R3 such that. That is called horizontal line is called row and vertical vertical line is called column. Column means C1, C2 that is one that is first in column is C1, C2, C3. C4 that is here. That is called if we देखो determination क्या हुआ if the arrangement of row and square row and column in a square arrangement if we assign this any value that is called to the determination and this is generated by Greek word. ये क्या Greek word है That is Greek word delta and denoted by delta. ठीक है, that is denoted by अब है order of determination, order of determination order of what is the number of order of determination it determines the number of row the number of row is called the order of determination is called order of determination यानी कि
कोई डिटरमिनेशन जितनी उसमें रो होगी वही क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेशन। दैट इज मीन्स इफ सच दैट इफ ए वन इज कॉल्ड वन ऑर्डर, इफ सच दैट ए बी सी डी इज टू रो है सेकेंड ऑर्डर, इफ फर्स्ट ऑर्डर है यह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इट इज क्या है थर्ड ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, ये क्या है थर्ड ऑर्डर। दैट इज कॉल्ड इफ वी हैव फर्स्ट रो इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड ये सेकंड ऑर्डर की है, और इधर थर्ड है तो दैट इज कॉल्ड टू द थर्ड ऑर्डर। वी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड टू द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेशन। अच्छा एक है माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर माइनर लेट ए इट इज अ डिटरमिनेशन ए वन ए टू ए थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री सी दैट इज लेट इट इज ए थ्री बाई थ्री क्रॉस मैट्रिक्स, थ्री बाई थ्री क्रॉस मैट्रिक्स टू जो भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के एवरी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैज ए वन माइनस फॉर। अच्छा जैसे ये भी एक माइनर रखेगा, ये भी एक माइनर रखेगा, ये भी एक माइनर रखेगा, ये भी तो ए वन वन के लिए माइनर द माइनर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे द माइनर ऑफ एलिमेंट, द माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन इसका माइनर का एलिमेंट, इसका ए वन का माइनर, तो इसको ये कर दिए रिमेनिंग दैट इज कॉल्ड माइनर, दैट इज कॉल्ड माइनर। सिमिलरली द माइनर एलिमेंट ऑफ ए वन टू के एलिमेंट क्या जाएगा, ये क्रॉस क्या बचे ए टू वन ए टू थ्री एंड ए थ्री थ्री माइनर एलिमेंट ऑफ ए थ्री थ्री इसके क्या आ जाएगी, देखो ए थ्री थ्री के लिए ये गया इससे एक है तो क्या हो गया ए वन टू है ना, ये भी कैंसिल है ए वन वन जिस भी एलिमेंट के मैं माइनर एलिमेंट निकालने हूं क्या करते हैं उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करके इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है जो बचा हुआ है वही क्या दैट इज कॉल्ड टू द माइनर एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड टू द माइनर एलिमेंट। इट इज कॉल्ड द माइनर एलिमेंट।
क्या होता है, अब होता है एक है कोफैक्टर, एक क्या है कोफैक्टर। इफ ये समझो हर एक के जो है एलिमेंट के जो है एवरी एलिमेंट के हर जो है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में जो है माइनर निकालते हैं। अब आगे क्या है कोफैक्टर, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, इफ माइनर इफ द माइनर मल्टीपल बाय माइनस वन की पावर आई प्लस जे इज कॉल्ड, इफ द माइनर मल्टीपल, ये मान ले ये माइनर है, ये एम आई जे मीन माइनर एलिमेंट, माइनर इफ द माइनर एलिमेंट इज मल्टीपल बाई माइनस वन आई प्लस जे इज कॉल टू द कोफैक्टर, इज कॉल टू द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल दैट इज इफ वी हैव सच दैट इज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री दैट इज ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये इसमें क्या आ जाएगा माइनर एलिमेंट, इसमें क्या आ जाएगा माइनर एलिमेंट, क्या आ जाएगा माइनर एलिमेंट ऑफ ए वन वन, ए वन वन के क्या आ जाएंगे ये ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ ए वन तो किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं माइनस वन की पावर, क्या जाएगा वन प्लस वन, वन प्लस वन, वन रो है वन ही कॉलम है तो क्या जाएगा बस और ये माइनस जीरो, सुनिए इट इज कॉल्ड टू द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। अच्छा अब देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क होता है जनरली। अच्छा फोर ए टू टू के लिए क्या आ जाएगा, फोर ए टू टू के लिए क्या आ जाएगा सिमिलरली माइनस वन की पावर वन प्लस टू, वन टू के लिए फोर, वन टू के लिए वन प्लस टू एम वन टू, यानी कि इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर थ्री क्या या माइनस और एम वन टू, एम वन टू की इसके माइनर क्या आ जाएंगे ए टू वन ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री, दैट इज मीन्स कोफैक्टर एंड माइनर एलिमेंट will be same but their sign may be changed, their sign may be changed, किसके sign हो सकते हैं, क्योंकि जहां अगर माइनस वन की पावर आई प्लस जे है, ये क्या है माइनस वन की पावर आई प्लस जे, अगर इफ आई प्लस जे इफ आई प्लस जे इज इवन, इज इवन है मतलब आई आई प्लस जे रो प्लस कॉलम, सच दैट एग्जांपल मीन्स ए टू टी क्या आ गया माइनस वन की पावर टू प्लस टू इक्वल टू वन, माइनस वन की पावर फोर, तो माइनस की पावर अगर इवन है तो क्या आ जाता है फोर, तो क्या आ गया फोर आ गया, क्या आ गया ये फोर आ गया, तो माइनस इफ तो माइनस वन की पावर आई इवन इज क्या आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये प्लस, अगर माइनस वन की पावर ओड आ गया माइनस वन की पावर क्या आ गया ओड आ गया, क्या आ गया माइनस वन की पावर क्या आ गया ओड, ओड मीन्स इवन, ओड मीन्स क्या आ गया यानी कि रो और कॉलम का सम क्या आ गया ओड है, जैसे मीन्स फॉर एग्जांपल ए वन टू यानी माइनस वन की पावर वन प्लस टू माइनस वन की पावर थ्री,
इक्वल टू थ्री आएंगी। अगर माइनस वन की पावर ऑड आया तो क्या आएगा माइनस, और माइनस वन की पावर इवन आया तो सोलह। इफ इफ द माइनर एलिमेंट द सम इज ऑड रो एंड कॉलम देन द कोफैक्टर विल बी हैव टू द इनटू माइनर। इफ द माइनर एलिमेंट द सम ऑफ रो एंड कॉलम इज इवन नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट इज ए वन वन ए थ्री थ्री, दैट इज कॉल्ड द माइनर एलिमेंट एंड कोफैक्टर एलिमेंट विल बी द सेम, विल बी टू द सेम। देखो मैं इस बारी बैठने के बाद तो कितने कहते हैं वो तो बताओ, वो कितने दोगे कितने बनाए ये अब कितने, अब मैं आपकी वापस लिखूंगा कि भाई कितने कुछ बताओ कि कितने तो आपकी वापस लिखूंगा कि भाई कितने कुछ एक घंटे बाद आप मिले कहाँ नहीं मिले बस तीन बजे तो आपको मिली या चार की बात मुझे सामने सामने थोड़े सभी बच्चे यही पढ़ेंगे कोई रुक नहीं मुझे चलो ये कहलाता है माइनर एलिमेंट, ये क्या कहलाता है माइनर। तो अगर ये माइनस वन की पावर अगर इवन होगा तो क्या आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा। अगर ये माइनस वन की पावर ओड होगा ठीक है भैया। अच्छा देखो इसको फैक्टर है फिर क्या आ जाएगा ये अगर माइनस प्लस निकालना हो, देखो एक इसकी है टेबल ही बन जाती है, एक इसकी क्या बन जाती है ये टेबल भी इसके एक्सपेंशन की समझे कोफैक्टर क्या जाता है या क्या कहता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये क्या जाती है ये आ जाती है क्या जाती है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ जाती है। ये क्या जाती है इसका इसकी डिटरमिनेशन की वो आ जाती है क्या जाती है ये एक्सपेंशन क्या जाती है ये
अच्छा भाई, और फिर इसकी वैल्यू किससे निकलती है? इसकी इसकी वैल्यू एक, ये वैल्यू किससे निकलती है इसकी? जैसे मान लिया ये है कोई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये A11, माइनस A32 इंटू A23, माइनस A12 A13, A21, ये आ जाती है। क्या आ जाती है? ये दैट इज कॉल्ड, ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल हो, जैसे इसका, जैसे 1, 2, 4, 1, 2, 4, -130, -130, और क्या जाता है, 410, ये वन का क्या आ जाएगा? ये वन का, ये वन का माइनस क्या आ जाएगा? ये 1, 3, 0, 1, 2, ये क्या आएगा? -2 का क्या आ जाएगा? ये जब हमको एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम के, इसमें हम एक्सपेंड करते थे, मान लीजिए 2 के एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ? +-2, ये क्या आ जाएगा? -10, -10, ये क्या आ जाएगा? 40, प्लस ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ 4 के एक्सपेंड में? -1, 3, 4। ये आ जाएगा। अब इनका क्या करते हैं? अब इसकी इसमें जो हम क्या क्या करते हैं इसमें, वो ये इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 1, 3, -0, -2, ये आ जाएगा। अब इसको क्या आ जाएगा? 3 - 0 कितना आ जाएगा? ये 3 - 0 कितना आ जाएगा? 3 - 2 -4 +4 -13। -41,
माइनस टू करो, माइनस वन जीरो फोर जीरो माइनस वन माइनस टू तो इस तरह की हम जो है वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड सिर्फ इस केस में भी कर सकते हैं। जो जीरो है दो, इसके कॉलम में ये और ये वन अड़तालीस आएगा। क्या आएगा ये, थोड़ी गलती हो गया, क्या आएगा ये अड़तालीस आएगा, क्या आएगा ये सारा गलती हो गया, क्या आएगा ये अड़तालीस आएगा। क्योंकि जब इसे फोर केस में कर रहे हैं, कहां गलती हो गई, ये क्या आएगा वन वन माइनस वन माइनस ट्वेल्व, तो क्या आएगा फोर माइनस वन माइनस ट्वेल्व, माइनस के ट्वेल्व, तो क्या आएगा फोर माइनस के थर्टीन, क्या आ गया माइनस के फिफ्टी टू, ये भी क्या माइनस के फिफ्टी टू, ये भी फिफ्टी टू यहाँ है। ठीक है, तो क्या आ गया थ्री प्लस एट इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है भाई, जब इसको हम एक्सपेंशन करते हैं, ये कोशिश ये करते हैं कि जहां भी मैक्सिमम रो एलिमेंट या मैक्सिमम कॉलम एलिमेंट है, उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड हम करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड हम करते हैं। ठीक है भाई, अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट, वन रो और वन कॉलम एलिमेंट इज जीरो, देन द डिटरमिनेशन विल बी जीरो, सच दैट इफ वन कॉलम इज जीरो, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेशन विल बी जीरो। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेशन विल बी जीरो, दैट द डिटरमिनेशन विल बी जीरो। If two row, if any two row or two columns are identical, then the determination will be zero. That is it. There are two rows are zero, two are two rows are equal, that is zero, two column are zero, that is zero. अच्छा जी, फिर इसमें भी वही है, जैसे मान लिया इफ इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस जे ए आई एंड ए आई आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे इज कॉल्ड skew symmetric determination, skew symmetric determination. If a i j is equal to j i a, a i is equal to 0 for i and j,
फॉर दैट इज कॉल्ड द स्क्यू सीमेटिक, इज कॉल्ड टू द स्क्यू सीमेटिक। एंड द वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सीमेट्रिक, स्क्यू सीमेट्रिक डिटरमिनेंट इज जीरो। द वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सीमेट्रिक डिटरमिनेंट इज जीरो। For example, 0 minus AB, 0 minus AB, A0 minus C, A0 minus C, minus B, C, minus B, C, 0 is called, ये मल्टीशन में आ गई, ये क्या आ गए, ये अच्छा जी इसको ये एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये भी सी स्क्वायर, अच्छा फिर इसके करूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये इससे एक्सपेंशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये सारा जीरो आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड टू द, ये क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज डिटरमाइंड बाय जीरो। इसका ऑर्डर है ये 3/3 का ऑर्डर है, तो इसकी क्योंकि इसकी सिमेट्रिक क्या है, जैसे जीरो जीरो डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसके जीरो होने चाहिए, और क्या है, ये है ए टू वन, ये क्या है ए टू वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए वन टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, और माइनस का ये देखो माइनस ए टू वन इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू माइनस ए, ए टू वन इज इक्वल टू ए वन टू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का ये। That is called to the skew symmetric determination. Skew symmetric determination. अब आगे क्या है, देखो जैसे एक तो ये एक भी मैट्रिक्स है, ये ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री, सी वन वन सी वन टू, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई क्या है, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ये क्या है बी वन वन बी वन वन सी बी वन टू बी वन थ्री सी वन, यस को क्या मान सकते हैं, क्या है बी टू वन से क्या बोलो बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, दैट इज इफ इट इज ए मैट्रिक्स, इट इज ए वी हैव इट इज द मैट्रिक्स, इट इज द दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री इज ए डिटरमिनेशन, इज ए डिटरमिनेशन ऑफ थर्ड बाई
थर्ड प्रो, ये 3/3 प्रोथ का ये डिटर्मिनेशन। इसमें क्या करना है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका क्या लिख देते हैं द ट्रांसपोज, इसका क्या ले लें ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या कहलाता है, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा A11 B21 C31, A12 B22 C32 A13 B23 C33। ये इनका जो ट्रांसपोर्ट, इसका जो, इसका जो ट्रांसपोर्ट डिटरमिनेशन का द वैल्यू विल बी द सेम, द वैल्यू विल बी द सेम, ये डिटरमिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट द वैल्यू सेम, यानी द इंटरचेंज ऑफ द चेंज ऑफ रो, इस तरह के अगर इसका ट्रांसपोर्ट कर दें किसका डिटरमिनेशन का, द वैल्यू विल बी द सेम, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा की पावर टी, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ डिटरमिनेशन देयर ट्रांसपोर्ट के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए डिटरमिनेशन इज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेशन, ओरिजिनल डिटरमिनेशन की और उसकी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू की डिटरमिनेशन की इक्वल होती है। यानी कि ये क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ऑल रो टू टू देयर कोरस्पोंडिंग कॉलम एंड कॉलम टू कोरस्पोंडिंग रो इज द वैल्यू विल बी द सेम, नो चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेशन, नो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेशन, मीन शिफ्टिंग रो इनटू कोरस्पोंडिंग कॉलम और कॉलम शिफ्टिंग टू कोरस्पोंडिंग रो द वैल्यू विल बी सेम, दैट इज द ट्रांसपोर्ट इज डिटरमिनेशन इज इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है भैया, इंटरचेंजिंग द रो टू रो, इंटरचेंजिंग रो टू रो द साइन विल बी चेंज, द साइन विल बी चेंज, दैट इज इफ वी इंटरचेंज आर वन टू आर टू, आर वन टू आर टू, दैट इज इट मीन्स ये क्या जाएगा ए बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री A11 A12 A13 C11 C12 C13। आर से आर टू में ये दैट इज कॉल्ड टू द डिटरमिनेशन ऑफ द दैट इज द साइन चेंज, साइन चेंज में ये माइनस का साइन आ जाएगा। If we again change means क्या आएगा, भी है आर टू चेंज टू आर थ्री, फिर ये चेंज क्यों होगी, क्या आ जाएगा ये तो B21 B22 B23, ये क्या आएगा C11 C12 C13 A11 A12 A13, दैट इज अगेन इज पॉजिटिव, माइनस अगेन इज पॉजिटिव, द वैल्यू इज अगेन पॉजिटिव, दैट इज इफ द डिटरमिनेशन इफ वैल्यू इफ इंटरचेंज देयर इज माइनस एंड यू इंटरचेंज रो और एंड इंटरचेंज कॉलम, इफ वी चेंज अगेन दैट इज माइनस, फिर अगेन माइनस 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 विल बी मेड टू द प्लस साइन, दैट इज द सेम साइन। अच्छा, इसका एक क्या एग्जांपल होगा, मोटा 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 क्या फॉर्मूला निकल के आ गया इसमें से, अगर अगर n सक्सेसिव चेंज है, कितने करे n सक्सेसिव चेंज करे, चेंज कितने करे n सक्सेसिव चेंज करे, क्या करते हैं n सक्सेसिव चेंज करते हैं, इफ डेल्टा n इज इक्वल टू माइनस डेल्टा और ये प्लस का डेल्टा, इफ
एन इज ओड और एन इज इवन। अगर एन इवन होगा, अगर एन क्या होगा इवन होगा तो डेल्टा एन क्या है इक्वल हो जाएगा, ये जो है प्लस का ही रहेगा, और अगर माइनस का होगा तो क्या आ जाएगा डिटरमिनेशन की वैल्यू माइनस के डेल्टा आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड टू द एन सक्सेसिव चेंज। अगर एन सक्सेसिव चेंज है यानी द चेंज ऑफ डिपेंड टू द ओड और इवन, यानी अगर एक बार चेंज कराया है तो माइनस, दो बार चेंज कराया है तो प्लस, तीन बार चेंज कराया है फिर माइनस, फोर बार साइन कराया है चेंज कराया तो क्या आ जाएगा प्लस। अगर कोई अगर मान लें ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये कोई डिटरमिनेशन है, ये कोई डिटरमिनेशन है, ये क्या है कोई, ये कोई डिटरमिनेशन डेल्टा है। अगर इसकी जो है मल्टीप्लाई कर दो किसी रो को, किसी रो को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो किसी स्केलर से, एन एन स्केलर से, यानी कि आर वन मल्टीप्लाई एम आर वन या के आर वन, तो क्या जाएगा ये एम ए वन एम बी वन एम सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, डेट इज ये ए थ्री बी थ्री सी थ्री। द न्यू वैल्यू दैट इज इट, ये डिटरमिनेशन है, इसकी वैल्यू डेल्टा है। अगर इसकी जो है इसकी न्यू, इसकी रो को एम से मल्टीप्लाई करते किसी रो को, तो जो इसकी न्यू वैल्यू होगी वो भी जो है इसके मल्टीप्लिकेशन रहेगी एम डेल्टा, क्या जाएगी इसकी एम डेल्टा आ जाएगी। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल क्लियर करते हैं इसे, फॉर एक्स वाई जेड, फॉर एक्स वाई जेड प्रूव दैट, फॉर यानी फॉर एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू निकालनी है वन वन लॉग वाई एक्स, वन लॉग वाई एक्स लॉग जेड एक्स, लॉग जेड एक्स लोग एक्स वाई वन लोग जेड वाई, लोग जेड वाई लोग एक्स जेड, लोग एक्स जेड लोग वाई जेड वन इज इक्वल टू जीरो,
इसकी प्रूव करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई इसे, ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को लिखने में सबसे पहले मेरे समझ में आता है कि ये लोग वही है, क्योंकि लोग बीएस ई में बदल देंगे, क्या आ जाएगा ये, वन लोग वाई अपॉन लोग एक्स, ये क्या जाएगा, लोग लोग जेड अपॉन लोग एक्स, ये क्या जाएगा, लोग एक्स अपॉन लोग वाई वन लोग जेड अपॉन लोग वाई लोग एक्स अपॉन लोग जेड लोग वाई अपॉन लोग जेड इक्वल टू वन, ये आ जाएगा। आई बात है, इनका जो है चेंज कर दिया मैंने, लॉगरिथम का बेस का ई पे चेंज कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इनका बेस का चेंज कर दिया। अब इनमें से क्या करा मैंने, सब में से लोग क्या करा, लोग एक्स कॉमन ले, क्या ले लिया, अब सब में से वन अपॉन लोग एक्स यहां से कॉमन ले लिया, वन अपॉन लोग वाई यहां से कॉमन ले लिया, वन अपॉन लोग रेड यहां से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, यहां से क्या कॉमन ले लिया, वन अपॉन लोग एक्स, यहां से क्या ले लिया, वन अपॉन लोग वाई यहां से ले लिया, यहां से वन अपॉन लोग रेड कॉमन ले लिया, क्या आ गया, लोग एक्स इधर का आगे वन अपॉन लोग एक्स, ये जाएगा ना वन अपॉन लोग एक्स, क्या आ गया ये लोग एक्स, क्या आ जाएगा ये लोग एक्स लोग वाई लोग जेड, इधर से क्या जाएगा, यहां से इसमें से वन अपॉन लोग वाई कॉमन लेंगे, लोग एक्स लोग वाई लोग जेड, इधर से यहां से क्या कॉमन लेंगे, वन अपॉन लोग जेड में क्या आ जाएगा, लोग एक्स लोग वाई लोग जेड, ये नीचे क्या आ गया, नीचे ये आ गया वन अपॉन एक्स, क्या आ गया ये नीचे में क्या आ गया, वन अपॉन लोग एक्स लोग वाई और लोग जेड, ये नीचे आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें से, अब देखो ये आइडेंटिकल है, अगर इसमें से फिर इसमें से लोग एक्स, ये सारे क्या है आइडेंटिकल आ गई, तो दैट इज कॉल्ड टू द, दैट इज कॉल्ड टू द, अगर इसमें से जो है लोग एक्स जो है फिर कॉमन ले लें, फिर लोग वाई सारे में से इसमें कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है आइडेंटिकल है, क्या है सर, ये आइडेंटिकल आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड इज द इज जीरो, हेंस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। या है देखो भाई ये कोई एक डिटरमिनेशन थी, वन लोग एक्स वाई इस तरह की डिटरमिनेशन थी, इसको क्या कर रहा, पहले मैंने इसका बेस चेंज कर लिया, बेस चेंज करने के बाद वन अपॉन लोग एक्स लोग वाई लोग डेट इसमें कॉमन ले लिया, लोग एक्स लोग एक्स लोग वाई लोग वाई लोग डेट दैट इज पार्ट ऑफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, दैट इज डिटरमिनेशन इज जीरो, डिटरमिनेशन क्या आ जाएगी इसकी जीरो आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी इसकी जीरो आ जाएगी। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो एडिशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिटरमिनेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिटरमिनेशन, जैसे मान लीजिए है कि ए प्लस ए डैश बी वन, ए वन प्लस ए डैश ए टू प्लस
ए टू डैश ए थ्री प्लस ए थ्री डैश बी वन बी टू बी थ्री पी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। अगर ये ए वन बी वन सी वन क्या आएगा, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, या अगर ए थ्री बी थ्री सी थ्री प्लस क्या जाएगा ये, इसको अगर इस तरह है तो इसे लिख सकता हूं, यहां ये लिख दूंगा ए वन डैश क्या आएगा, ए वन डैश प्लस ए वन डैश ए टू डैश ए थ्री डैश प्लस बी वन बी टू बी थ्री बी वन जी टू बी थ्री, ये क्या आएगा सी वन सी टू सी थ्री। इसको इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई डिटरमिनेशन हो किस तरह की जाए, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ए वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी वन ए वन डैश ए टू ए थ्री बी वन सी वन बी टू बी थ्री सी थ्री, एक क्वेश्चन है जैसे ये, इफ एक्स आई इज इक्वल टू ए आई, इफ एक्स आई इज इक्वल टू ए आई, ए आई बी जे, ए आई बी जे एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू ए आई बी आई सी ए आई बी आई सी आई, और आई इज इक्वल टू वन टू थ्री, आई इज इक्वल टू वन टू थ्री, आर थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट Each x is multiple such that positive positive integer x is equal to a i a i b i c i a i b i c i, I is equal to 1 2 3 and each the three positive integers and x i is multiple of x i is मल्टीपल ऑफ 19 एंड एक्स आई इज मल्टीपल ऑफ 19 मल्टीपल ऑफ, देन प्रूव दैट ए वन बी वन सी वन ए वन बी वन सी वन ए वन ए टू ए थ्री ए वन बी टू बी थ्री ये सी वन सी टू सी थ्री इज डिविजिबल बाई
नाइनटीन, ये डिविजिबल बाई 19, ये जो है 19 से डिविजिबल होगा। थ्री डिजिट क्वेरी, लेट एक्स आई इक्वल टू ए आई बी आई सी आई इक्वल टू आई इक्वल टू 1 2 3, थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 19। ये जो है थ्री डिजिट मल्टीपल है, जो थ्री डिजिट मल्टीपल है तो थ्री डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे 457 इस तरह आता है, इसमें क्या आता है 1+, इस पर 10, इस पे 100, इसके 100 आता है। तो अगर इसको इसको किस तरीके से सकते होंगे, 5 × 100 एक्सपेंडेड 4 × 50 तो बच्चे करते थे पहले, ये सिक्स तक पढ़ाया होगा हमने, 500 × 4 × 10 एक्सपेंडेड 4 में कर दिए, यानी कि ये इस तरह थ्री डिजिट में है। क्या है ये, थ्री डिजिट में है। तो इस तरह क्या कर सकता हूँ, इसको इसको कर सकता हूँ मैं, अब इसको यानी कि आर थ्री को क्या कर लिया मैंने, आर थ्री को क्या कर लिया, ऑपरेशन लगाया मैंने आर थ्री, क्या कर रहा है आर थ्री में, क्या क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, आर थ्री ये 100 × ये 10 × और प्लस ही है, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, क्या गया आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस 10 R2 प्लस 100 R, आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस 10 R2 प्लस 100 R, तो ये क्या आ जाएगा, ये A1, B2, A3, B1, B2, B3, ये क्या आएगा 100, R1 प्लस 10 R2 प्लस R3, आर में से क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A1, B1 और C1, इस तरह क्या आ जाएगा यहाँ 100 A2 प्लस 10 B2 प्लस C2, यहाँ क्या आ जाएगा 100 A3 प्लस A1 प्लस 10 A2 प्लस C3, या अब मान लिया ये नंबर है 100 A1, 100 B1, 100 C1, 100 A2, अच्छा अब मान लिया ये जो है, ये तो मान लिया X1 के नंबर बराबर है, ये कितने के बराबर है X2 के, ये कितने का है X3 के, ये कितने का नंबर है X3 के, क्या आ जाएगा A1 क्या आएगा A2 A3 B1 B2 B3, मान लिया X1 है, X2 है, ये X1 क्या बराबर है इसके बराबर लिख लिया, ये क्या बराबर लिख लिया X2 के, लेकिन X बराबर क्या दे रखा, AX इज इक्वल टू AI प्लस BI प्लस CI, XI इज इक्वल टू ये है मान लिया XI है, XI इज इक्वल टू AI BI प्लस CI ये है, इनटू वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3, I की वैल्यू कितनी है 1 2 3, ये थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है थ्री डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जो है, ये जो है मल्टीपल है ऑफ 19 का, इसलिए मल्टीपल है ये 19 का, ये जो है इसका 19 का मल्टीपल है, जब ये 19 का मल्टीपल है तो इसको क्या आ जाएगा, ये X1 के लिए क्या आ सकता हूँ, X1 बराबर 19 × M, जब ये 19 का मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा, पहले M इसके लिए M1 आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा X2 के लिए
19 मल्टीप्लाई एन, ये दे रखा है, गिवन है एक्स वन इज द मल्टीपल ऑफ 19, ये क्या जाएगा यहां से? ये क्या जाएगा, ये ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये कह 19 ए वन 19 एम वन 19 एम टू 19 एम थ्री 19 एम वन 19 एम टू 19 एम थ्री, ये आ गया। और इनमें से जो है ये कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 19, इसकी वैल्यू 19 में से कॉमन लेने के क्या आ जाएगा यहाँ से, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये एम वन एम टू और एम थ्री, ये आ गई 19 ए वन ए टू एम टू एम थ्री, या इसकी वैल्यू क्या आ गई, मान लिया इंटीज आ गई है, मान लिया कोई इंटीज होगी 19 माइनस के हो गया एन होगी, तो 19 इक्वल टू के, और ये कहने के बराबर आ रहा डेल्टा है जेड इट विल बी टू द डिविजल बाई 19, जेड इट विल बी टू द डिविजल बाई 19, 19 मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसकी वैल्यू एन आ जाएगी, की आ जाएगी, कोई भी इंटीज आ जाएगा, तो दैट द दस। अच्छा क्या क्वेश्चन था, एक्स इक्वल टू ए आई बी आई सी आई इस तरह का था, ये जो ये है ये था मल्टीपल ऑफ 19, मल्टीपल ऑफ थ्री डिजिट था, ये थ्री डिजिट था, तो ये इस तरह के लिख लिया, थ्री डिजिट लिखने के लिए इसमें मैंने ऑपरेशन लगा दिया, क्या लगा दिया इसमें ऑपरेशन लगा दिया, आर थ्री प्लस 10 आर टू प्लस 100 आर वन, ये लगा दिया, तो ये इसमें क्या करा, मान लिया इसकी वैल्यू एक्स वन है, एक्स टू एक्स थ्री है, जब ये इसकी वैल्यू जो है 19 से जो है मल्टीप्लाई है, तो 19 एम वन 19 को मिली है, इसकी वैल्यू आंसर है इसकी वैल्यू विद डिवाइडेड बाय 19, ठीक है भाई आगे बढ़े। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटोनेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटोनेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटोनेशन, कौन कौन सी, बी सी सी ए ए बी, बी सी सी ए ए बी, पी क्यू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटेशन, सी क्यू आर वन वन, ये कोई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकालनी है, वेयर ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली द वेयर ए बी सी आर द रेस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी आर द रेस्पेक्टिवली द पी एफ क्यू एफ एंड आर एफ ऑफ एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का द टर्म्स ऑफ वेयर दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन, इस वैल्यू की डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकालनी है मुझे, बी सी सी ए इसकी इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, ए बी सी आर द रेस्पेक्टिव टर्म ऑफ द पी एच टू टर्म ऑफ हार्मोनिक
प्रोग्रेशन। देखो तीन हमने प्रोग्रेशन पढ़ी थी, ए पी एच पी और जी पी। ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीपी। अर्थमेटिक और ये जीपी दोनों क्या होती थी, एक दूसरे की उल्टी होती है, रिवर्स होती थी। अब गिवन है, गिवन क्या है, आंसर है, सॉल्यूशन है इसका, ए बी सी आर द हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर द, ए बी सी आर द हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ पीएफ टर्म्स, क्यूएफ टर्म्स एंड आर एस टर्म, पी एस टर्म, क्यू एस टर्म एंड आर एस टर्म। तो जब ये किसकी एच पी में है, जब ये किसकी है, ये एच पी में है। अभी बताया था मैंने ए पी और एच पी दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए, क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी आर द पी एच क्यू एच एंड आर एस ए पी। इसके ये उल्टी टर्म्स जो है ए पी की हो जाएगी, इसकी उल्टी टर्म्स क्या जाएगी, ए पी की। जब ये ए पी की हो जाएगी तो क्या जाएगा, ये वन अपॉन ए, वन अपॉन ए ए प्लस एन एफ टर्म को फॉर्म में क्या होता है, ए सी का ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये होता है ना ए एन, एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वन अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस एन, एन की वैल्यू तो क्या आ गई, एन, एन की वैल्यू पी माइनस वन और डी पी है ही भाई साहब, डी माने कोफिशिएंट डिफरेंस बी है। और इस तरीके क्या आएगा, सिमिलरली वन अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, वन अपॉन सी इज इक्वल टू ए प्लस पी क्यू आर। क्या आएगा, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ए क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस है, ए डी इज क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब ये क्या है, अब ये दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, ये दे रखी है। अब इसका क्या करूं मैं, इसमें से सारे में से ए बी सी क्या कर ले लू मैं, सारे में से कॉमन ले लू, सारे में से क्या ऊपर से क्या कॉमन ले लू, ए बी सी कॉमन ले लू, ए बी सी कॉमन लेके क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए, बाहर से ए बी सी कॉमन लेके क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, पी क्यू आर वन वन वन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या आ जाएगा, अब इसमें ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, वन अपॉन ए प्लस पी माइनस वन इंटू मल्टीप्लाई डी, क्या ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, क्या ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, आर वन में क्या ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, यहां ऑपरेशन लगा दिया आर वन, यानी कि आर वन है ये, माइनस क्या लगा देता हूं, माइनस ए माइनस डी, आर वन माइनस के ये है ना ए माइनस डी, इसके देखिए इधर आएगा ना ए माइनस डी आर थ्री माइनस डी आर टू, क्या लगा दिया आर वन ने, क्या लगा दिया आर वन माइनस आर माइनस डी, आर माइनस ए माइनस डी, ए माइनस डी आर थ्री इंटू आर थ्री, क्या जाएगा ये इंटू डी आर टू, इंटू डी आर टू, तो क्या जाएगा ये ए प्लस क्या आएगा, ये
अच्छा ये भी ए है, ये भी ए है, ये जगह से बड़ा ए कर लो उसको, क्या कर लो तो बड़ा ए मिलती है। हाँ ये बड़ा ए कर लो, क्या कर लो उसको, तो ये क्या जाएगा ए प्लस, यहाँ क्या जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये क्या जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये क्या जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और सेम ऐसी थी ये जगह जू में आएगा पी क्यू आर और वन वन आर, क्या आ जाएगा ये जू आ जाएगा पी क्यू आर और वन सेवन। देखो भाई क्या था ये क्वेश्चन, क्या था ये कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेशन, इस वैल्यू की, इसकी डिटरमिनेशन की क्या निकालनी थी हमको, जो है वैल्यू निकालनी थी वेयर ए बी से ज्यादा रिस्पेक्टिवली होमिक प्रोग्रेशन, एस पी में है ये। तो अब इसका क्या करा कि जब ये ए बी सी एस पी में है तो वन अपॉन ए बी सी वन अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ये ए पी में आ जाएगा। तो वन अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस सी माइनस वन डी, वन अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन ए आर माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा ये वन अपॉन ए। अच्छा अब इसमें क्या करा मैंने ए बी सी तीनों से कॉमन ले लिया, क्या आ गया वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी वन अपॉन सी ई क्यू आर, ये आ गया ए बी सी इसके बाहर आ गया। ठीक है और वन अपॉन ए की वैल्यू फिर क्या करा मैंने, वन अपॉन ए की वैल्यू ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या रख दी यहाँ से, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, बी वन अपॉन बी की वैल्यू क्या रखी थी ए माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, और सी वन अपॉन आर माइनस वन इंटू डी, ये कर दिया। और फिर मैंने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया इसमें, ये वाला ऑपरेशन लगा दिया, क्या कर दिया मैंने आर वन माइनस आर वन आर वन माइनस वन के ए माइनस डी इंटू आर थ्री, ए माइनस डी इंटू आर थ्री माइनस डी आर टू माइनस के डी आर टू, डी आर टू से जब करूंगा तो जब इसे करूंगा तो ये क्या जाएगा पी ए माइनस डी इंटू वन माइनस पी डी माइनस के, यही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो 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 वन वन जीरो जीरो, ये क्या आ जाएगा जीरो 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 पी क्यू आर वन 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 इक्वल टू वैल्यू आ गई इसकी जीरो, इक्वल टू क्या आ गई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या आ गई इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी जीरो आ जाएगी। तो हैंस दैट इज इसकी वैल्यू क्या आ गई सारे की जीरो आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया सबकी क्या आ गई जीरो आ गई। तो ये इसमें निकाल देंगे ये ऑपरेशन लगा के इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी रो क्या है जीरो है, इसकी एक रो, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन की वैल्यू जीरो होगी। तो इस तरह इजीली हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्न पे
इसके जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे आगे, डिटरमिनेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स ऑफ ऑल आज के दिन में।